बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी क्लास 10th फिज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव से रिलेटेड है, उसका टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन उसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक डैम्प्ड एक ऑसिलेशन। सबसे पहली बात तो ये कि डैम्प्ड मतलब, डैम्प्ड का वैसे मतलब तो गीला होता है, ठीक है। और इसकी वजाहत जब आप एग्ज़ैम्पल में इसको हम देखेंगे तो वाज़े तौर पे वहाँ पे आपको इसकी समझ आ जाएगी। वैसे डैम्प्ड का मतलब है कम होना, ठीक है। तो ऑसिलेशन हमें पता है, ऑसिलेशन का दूसरा नाम वाइब्रेशन भी होता है, ठीक है। और हम इसकी डेफिनेशन जो है वो बाकायदा पढ़ चुके हुए हैं। ऑसिलेशन असल में ये वाइब्रेशन, वन कम्प्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। अब वन कम्प्लीट राउंड ट्रिप क्या होता है, कितना होता है, वो भी एक दफ़ा देख लें। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो है मीन पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट का, पहले एक्सट्रीम ए पे जाना, फिर उस एक्सट्रीम ए से दोबारा मीन ओ पे आना, फिर उस मीन पोजीशन से नेक्स्ट एक्सट्रीम बी पे जाना और फिर वहाँ से वापस मीन पे आना। ये हमारी वन वाइब्रेशन कहलाती है, मतलब वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। तो इसको हम वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम नाम पे थोड़ा सा फोकस करें तो हमें वाजह पता चलता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है कि ऑसिलेशंस का कम हो जाना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशंस का कम हो जाना, या आप उसको सिंपल वे, दूसरे वे में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि उन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम हो जाना, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हम इस टॉपिक में जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस मींस ऑसिलेशंस का कम हो जाना। अब पहली बात तो ये कि जितनी एग्जांपल्स हमने पीछे पढ़ी हैं उसमें हम बार बार बात करते थे फ्रिक्शन लेस की, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस असल में फ्रिक्शन लेस नहीं होती, ये ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं जिनमें फ्रिक्शन का अहम किरदार होता है, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पे, आप एक झूला है, अब आप एक झूले को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं और फिर आप उसको छोड़ते हैं तो वो मीन की तरफ आता है, ठीक है, और फिर इनर्शिया की वजह से नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाता है एंड सो ऑन। बट आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाता है, ठीक है। अब देखें अगर उस पर कोई फ्रिक्शन की फोर्स, जो कि उस फ्रिक्शन की फोर्स का मतलब जो उसकी मोशन में रुकावट पैदा नहीं कर रही, तो इसका मतलब फिर तो उसको टू एंड फ्रो मूव करते ही रहना चाहिए हमेशा। लेकिन हम देखते हैं कि वो झूला जो है वो कुछ देर बाद रुक जाता है, ठीक है। जो उसका एम्पलीट्यूड होता है पहली दफ़ा वो बहुत ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो असल में फ्रिक्शन की वजह से होता है। और फ्रिक्शन कहाँ से आती है, फ्रिक्शन असल में हवा के पार्टिकल्स जो हैं वो फोर्स लगाते हैं उस झूले पे या उस बॉडी पे, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होने लग जाता है वाइब्रेशंस का, या फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हैं कि वो हमारी जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मीन पोजीशन पे दोबारा आके रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसी ऑसिलेशंस जो असल में फ्रिक्शन की वजह से हों उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। फ्रिक्शंस की वजह से ऑसिलेशंस का कम हो जाना उनको, या वाइब्रेशंस का कम हो जाना उनको हम बोलते हैं, उन ऑसिलेशंस को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक हो गया। तो इसकी और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम है, जितनी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं स्प्रिंग वाली ले लें, ठीक है, बॉल एंड बाउल सिस्टम की ले लें। तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो तब प्रोड्यूस होती है जब दो ऑब्जेक्ट असल में कोइंसाइड करते हैं, मिल जाते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ रब खाते हैं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसी तरह से सिंपल पेंडुलम वगैरह भी है, जब आप पेंडुलम को मूव करवाते हैं तो हवा के पार्टिकल्स के साथ उसका टकराव होता है, ठीक है, और हवा के पार्टिकल्स के साथ जब उसका टकराव होता है तो फिर वहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है और इस वजह से वो पेंडुलम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन ये है कि ऐसी ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन की फोर्स की मौजूदगी में होती हैं उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो वो ऑसिलेशंस हमेशा रहेंगी, टू एंड फ्रो मूव करती ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर उनमें सम रेजिस्टिव फोर्स है तो फिर एक वक्त आएगा कि वो बॉडी जो है, वो जो भी हमारा सिस्टम होगा, वो मूव करता करता आहिस्ता आहिस्ता मेन पोजीशन पे वापस आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन।
जहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट नहीं करती जिस सिस्टम में, उस सिस्टम को हम बोलते हैं आइडियल सिस्टम, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हर जगह पे हवा तो हर जगह पे मौजूद होती है ना, अगर हम यहाँ पे अर्थ पे बात करें तो हवा तो हर जगह पे मौजूद है, तो वो फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको आइडियल केस ले लेते हैं, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वरना बाकी हर केसेस में, हर सिस्टम में हमारी यही डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होती हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की फोर्स कम है इसलिए ऑसिलेशंस ज़्यादा हुई हैं, या फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा थी ऑसिलेशंस कम हुई हैं, बट ये नहीं आप कह सकते कि फ्रिक्शन की फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो हमारी जितनी भी ऑसिलेशन ज़्यादातर होती हैं वो असल में डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन की मौजूदगी में होती हैं। ठीक है, तो ये था डैम्प्ड ऑसिलेशन का कंसेप्ट। तो अब आपकी बुक वाले ने एक एक इसकी एग्जाम्पल दी है, अब उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको और इजी वे में इसकी समझ आ जाएगी। अब देखें, आपकी बुक वाले ने शॉक एब्जॉर्बर की आपको एग्जांपल दी है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं वो असल में डैम्प्ड ऑसिलेशन के प्रिंसिपल पे एक्ट करते हैं। ठीक है, अब शॉक एब्जॉर्बर मतलब ये जो झटके हमें लगते हैं ना, ठीक है, गाड़ियों में ये ज़्यादातर शॉक एब्जॉर्बर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये इनका मकसद, अब देखें ये जो झटका लगता है ये असल में एक वाइब्रेशन ही होती है। ठीक है, जब आप किसी बम्प से कोई गाड़ी गुजरती है, किसी जंप से गुजरती है, तो वो एकदम से झटका लगता है, वो असल में वाइब्रेशन ही होती है। ठीक है, उन वाइब्रेशंस को ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं उन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है शॉक एब्जॉर्बर। अब होता असल में क्या है, ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं ये हर गाड़ी में ही इस्तेमाल होते हैं। अब जो लग्जरी कार्स हैं या मतलब गाड़ियां हैं उनमें शॉक एब्जॉर्बर्स ज़्यादा अच्छे लगे होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें जंप से गुजरते हुए हमें वो झटका सा महसूस नहीं होता, शॉक महसूस नहीं होता। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं ये उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। अब असल में शॉक एब्जॉर्बर्स जो है उसमें दो पार्ट्स हैं मेन उसके स्ट्रक्चर में, एक है पिस्टन और एक इसमें मतलब ऑयल होता है, फ्लूइड जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो असल में जैसे ही हम किसी बम्प से, किसी जंप से हमारी गाड़ी जो है वो गुजरती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पिस्टन जब उस ऑयल में वाइब्रेशन की वजह से मूव करता है तो वहाँ पे ये उसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो उस लिक्विड में से पिस्टन के मूव करने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे उन फ्रिक्शन की वजह से वो एम्पलीट्यूड जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है, और जिससे हमें वो वाइब्रेशन जो है वो इतनी महसूस नहीं होती, और उसका एम्पलीट्यूड फ़ौरन से एकदम से वो बस लग के तो वो रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हमें फिर वो महसूस नहीं होती। वो शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं वो उस फ्लूइड की वजह से, लिक्विड की वजह से, ऑयल की वजह से वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये डैम्प्ड का मतलब जो हमने गीला शुरू में पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑयल से रिलेटेड भी आपको समझ आ चुकी होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो जब हम किसी रोड पे किसी बम्प से गुजरते हैं तो असल में ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वहाँ पे जो वाइब्रेशन असल में प्रोड्यूस होती है उस वाइब्रेशन को ये पिस्टन के मूव करने की वजह से ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो असल में डैम्प्ड ऑसिलेशंस वो ऑसिलेशंस हैं जो किसी फ्रिक्शन की या रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में प्रोड्यूस हों, उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, और इसकी मिसाल मैंने आपको बोला कि आइडियल सिस्टम असल में बस होता है जिसमें फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये ज़्यादातर हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं मोशन के लिहाज से वो असल में वाइब्रेशंस की सारी डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर वाली एग्जाम्पल कॉमन है, ये जो गाड़ियों में हम इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए कि वाइब्रेशंस को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले ताकि हमें वो शॉक्स महसूस ना हो, फील ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।